नमस्कार। आज हम एक ऐसे संस्था की बात करेंगे जो संस्था जमीन पर पंचायत लेवल पे ग्रामीण क्षेत्र में उतरती है अपनी टीम के साथ और सीधा केंद्र सरकार भारत सरकार की किसान की जो योजना है वो कितना ज़मीन पे उतरा है और उसको ज़मीन पर ले जाने में कैसे सहयोग कर सकते हैं, किसान को उनका फ़ायदा कैसे दिला सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। संस्था का नाम है किसान कल्याण परिषद, उसके महासचिव आलोक पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, आज के शो में स्वागत है आपका। और सर से हम बात करेंगे कि इनका संस्था किस रूप से काम करेगा और ग्रामीण क्षेत्र जो पंचायत लेवल पे है ज़्यादातर वहाँ साक्षर नहीं है, और साक्षर हैं तो किसान अपनी योजना को कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सरकार आज़ादी से लेकर अब तक जितने सरकारें आई, जितने किसान कल्याण से संबंधित योजनाएं आई, कृषि मंत्री आए, उन्होंने योजनाएं तो बनाई, क्या वो ज़मीन पे उतरा है? बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। और हम सीधा इस संस्था के राष्ट्रीय महासचिव आलोक पांडे जी से हम बात करेंगे कि संस्था कैसे काम करेगी। सर देखिए पोद्दार साहब, संस्थाएं देश में और किसान संगठन देश में बहुत आयत की संख्या में है, और अधिकार और कर्तव्य की लड़ाई के बीच में किसान हमेशा अधिकार और कर्तव्य को ही लड़ता रहा। कर्तव्य किसान का हमेशा रहा कि देश के लिए अन्न उपजाए, अन्नदाता की श्रेणी में आता है, इसलिए देश के लिए किसी भी परिस्थिति में अन्न उपजाता रहा। लेकिन अधिकारियों की जहाँ तक बात रही, जिस तरीके की लीडरशिप उसको मिली और अधिकारियों का जो अधिकार का संघर्ष हुआ, किसान एक आंदोलन बन के ही रह गया। और प्रगतिशील वो कैसे होता, इसके लिए हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी के नेतृत्व में जब हम लोगों ने टीम का कॉन्सेप्ट किया और सोचा, क्योंकि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लगातार 2014 से लगातार, और जब वो गुजरात के सीएम थे, लगातार वाइब्रेंट एग्रीकल्चर गुजरात, इस तरीके के तमाम उनके जब कार्यक्रम होते थे तो हम उनमें सहभागिता करते थे। और जब हमने देखा कि वो लगातार योजनाओं को दे रहे हैं देश के किसान और अन्नदाताओं के लिए, तो क्या कारण है कि जो रिस्पांस किसान से आना चाहिए सरकार के प्रति या अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति, प्रधानमंत्री जी के प्रति श्रद्धा सब में है, भावनात्मक लगाव सब में है, लेकिन अगर वो सारी योजनाओं को ज़मीन से हम निकाल पाते और ज़मीन तक वो सारी योजनाएं सुचारू रूप से संचालित होती, तो शायद इन 7 सालों में पूरे भारत की तस्वीर कुछ और बदल गई होती। वैसे बदला है, भारत की तस्वीर बदली है। पिछले 17 तारीख को जब से हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर ये संकल्प लिया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी किसान कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम गांव-गांव तक जाएंगे और हम एक ग्राउंड रियलिटी पर इसको चेक करेंगे कि क्या ये योजनाएं यहाँ पर लागू हैं, अगर लागू नहीं है तो किस कारण से लागू नहीं है, ये लेके जब हम गाँव के प्रदेश में बढ़े, तो अभी तक जो हमने मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, इतने जिलों में कम से कम हमने अभी तक 28 बैठकें छोटी बड़ी कर ली हैं, जिसमें दो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट निकल के आई हैं सामने। एक तो ये कि पढ़े लिखे किसानों को भी भारत सरकार और राज्य सरकार की बहुत सी योजनाओं के विषय में जानकारी नहीं है, जबकि इतना प्रचार प्रसार है, सरकार के लेवल पर हर तरीके का प्रचार प्रसार है, और जिनको जानकारी है वो कुछ एक योजनाओं में अपने आप को अंगीकृत करते हैं, लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा भ्रमित होते हैं या सरकारी सहयोग उस तरीके से अधिकारियों का नहीं मिल पाता है तो वो इसको एक प्रोपोगंडा मान के बैठ जाते हैं। जैसा मैं कल परसों का एक उदाहरण देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कृषि संयंत्रों पर जो छूट के लिए योजनाएँ हैं, उसमें गौतम बुद्ध नगर के हम कलूपुरा गांव में थे, वहाँ पे कई किसानों ने हमसे चर्चा करी कि भाई साहब ट्रैक्टर पे जो छूट है उसके लिए पोर्टल नहीं चल रहा है। तो आज हमने उस पर पत्र भी लिखा है डीएम साहब को कि क्यों नहीं चल रहा है पोर्टल या सरकार की तरफ से क्या कमी रह गई। क्योंकि देखिए क्या, अगर आदमी किसान के पास तो खुद अपनी व्यवस्था इंटरनेट और ये सब है नहीं, वो अपने घर से कस्बे में या ज़िले में या तहसील में जाके किसी इंटरनेट वाले को पकड़ता है और प्रयास करता है कि मेरा फार्म भरा जाए। अगर फार्म भरने का प्रयास करता और पोर्टल नहीं चल रहा, तो एक बार दो बार हो सकता है तकनीकी कमियों की वजह से पोर्टल कभी कभी काम नहीं करते हैं, लेकिन लगातार एक दो बार उसने प्रयास किया फिर छोड़ देता है,
तो इस तरीके की जो समस्याएं इसको भी उजागर करने का हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही संतोष का विषय है कि जिस तरीके से पहले योजनाएं किसान तक बिल्कुल नहीं पहुंचती थी, उसमें एक बड़ा हर्ष का विषय है कि बहुत सी योजनाओं के लिए किसान बड़ा ही गर्वित महसूस करता है अपने प्रधानमंत्री पर कि हमारे पास इतनी इतनी योजनाएं पहुंच रही हैं और उन लोगों को जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो योजनाएं उनको पता हैं। लेकिन जिनका लाभ नहीं मिला है या जिन तक वो नहीं पहुँच पाए हैं उस पर उन्होंने विशेष रुचि भी नहीं दिखाई। जब हम लोगों ने उनको जानकारी दी, जैसे सोलर पे सोलर पंपिंग सेट की हमने जब उनको बताया कि आप इतना लगाओ इस पर 70% छूट मिलेगी, तो सब में बड़ा उत्साह आया कि हमारा बिजली का बिल बचेगा, हमारी ये समस्या दूर होगी। तो इस तरीके का प्रयास हमारा कहीं है। न कहीं मुझे लगता है ऐसा है कि जो किसान कल्याण परिषद ने जो प्रयास किया है शायद हमने अब तक नहीं सुना है। मैं आपके चेहरे पर बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि कोई भी सरकारें कानून बनाने के बाद, योजना लाने के बाद, उनके सांसद, उनके विधायक, उनके प्रतिनिधि पंचायत लेवल पे किसान को जाके समझाने का काम तो नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। कई संगठन अब जैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब राज्य के मंत्री, प्रदेश के मंत्री, देश के मंत्री भी गए, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो संवाद की धुरी होनी चाहिए ऐसा मैं महसूस करता हूँ, कहीं कहीं गैप रह रहा है। अपने स्तर पर सब अपना अपना प्रयास करते हैं, लेकिन जो हमें लगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब इस तरीके से देश प्रगति के मार्ग पर चल रहा था और चल रहा है, तब हमें महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ तो है। तब हमने बीड़ा उठाया कि हम प्रधानमंत्री जी के इतने विशाल कार्यक्रमों को संचालित करने का प्रयास हम करेंगे कि ग्रामीण लेवल पर उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, वो ग्रामीण स्तर पर किस स्तर पर पहुंचा है, इसको हम बताने का और जन जागरूकता करने का काम करेंगे। देखिए, इतने बड़े देश में हमारा ये प्रयास राम सेतु में उस गिलहरी की तरीके से है, जैसे भगवान राम ने जब पुल बनाया तो गिलहरी छोटी छोटे अंशदान कर रही थी, उसी गिलहरी जैसा हमारा अंशदान है। सर, मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। हमने कई बार कोशिश किए, सरकार और बैंक और किसान कहीं ना कहीं और सरकार के बीच में ये बैंकिंग प्रणाली भी आती है और ब्लॉक और ये भी आते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं को जमीन पे नहीं पहुंचने में बहुत बड़ा रोल अपनाते हैं। नहीं, देखिए दो कारण हैं उसके प्रति। एक तो किसानों में जन जागरूकता की कमी है, संवेदन कारण क्या है ना कि जो भी चैनल पे कोई भी चीज़ प्रचार प्रसार आता है, बोर्ड पे, अखबार में, या तो बहुत बड़ी जनसंख्या पर वो पहुँचता नहीं, क्योंकि किसान सुबह 4 बजे 5 बजे किसान का तो वही सनातनी व्यवस्था ही आज भी चली आ रही है। सुबह उठता है, खेतों पे जाता है, आधे दिन खेत पे काम करता है, खेत पे ही रोटी खाता है, शाम को आता है, दुनिया से मतलब रहता नहीं है, ज़्यादा उसको दुनिया जहाँ से मतलब होता नहीं है। अच्छा, जो नए बच्चों में जन जागरूकता भी आई, वो तमाम फेसबुक, व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया के और चीज़ों पर आई है। अब जैसे कल हमने जब हम 3-4 दिनों में जब लगातार वहाँ गए, लोगों को हमने बताया कि किसान की ये ऐप है, किसान की ये वेबसाइट है, भारत सरकार की ये वेबसाइट है। तो देखिए क्या होता है कि जब जो मुझे समझ में आया कि योजनाओं के विषय में हम विस्तार से लिख देते हैं कि ये योजना भारत सरकार ने लागू की, लेकिन ये योजना कहाँ पे मिलेगी आपको, इसका अधिकारी कौन है, ये भी मुझे लगता है कि लिखना चाहिए। और अभी हम इस पर और थोड़ा पुख्ता हो जाएं तो हम देश के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के अपना ये विचार प्रधानमंत्री जी को सुझाव के रूप में देंगे कि जो भी योजना इस देश में बनाई जाए और उसका प्रचार प्रसार हो, उसमें ये जरूर लिखा जाए कि संबंधित अधिकारी, ये अधिकारी इस योजना के लिए जिम्मेदार है और ये योजना इस प्रदेश वालों को इस उनका मतलब नंबर, वो ठीक है कि उसमें विभाग आ जा रहा है, वो आ जा रहा है, लेकिन ग्रामीण अंचल में लोगों को यही नहीं पता चल पा रहा है कि हमें जाना कहाँ है। दर्शकों, हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि सरकार जो योजना लेके आती है और जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाने का कारण कई लोग इससे जुड़े होते हैं, हम कितना जागरूक हैं, योजना आई है तो किन के लिए आई है, योजना आई है तो हमें मिलेगा कहाँ से, विभिन्न तरह की जानकारी है। और हमारे साथ किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हम इनसे ज़रूर निवेदन करेंगे कि इनके संस्था के वेबसाइट पे, इनके संस्था के जितने भी प्रसार सामग्री है उन सबों पर किसान से जुड़ी हुई हर एक जानकारी उपलब्ध हो और लोगों को उसका फ़ायदा मिल पाए। और
हमारे साथ आलोक जी हैं जो वकील भी हैं, इनसे बहुत सारी टेक्निकल जानकारी अगले अंक में, अगले मुलाकात में हम आपको लेकर आएंगे। आज आप देख रहे थे किसान कल्याण परिषद के महासचिव आलोक पांडे जी और मैं रवि नीरज, दूर देहात न्यूज दिल्ली के लिए। नमस्कार।